शुएब। अच्छा तो आप यहाँ पे कितने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं? मैं तो एक्सरसाइज साल से कर रहा हूँ, मगर मैंने जो वेट लूज़ किया वो 3 महीने के अंदर किया था। ये आप एक्सरसाइज साल से कर रहे हैं और वेट लूज़ 3 महीने से, ये कैसे? जैसे कि 3 महीने में लूज़ कर दिया, फिर बीच में मैंने 6-7 महीने छोड़ दिया था, फिर इसके बाद जो है ना वापसी मैंने शुरू किया। 3 महीने के अंदर ही मैंने 24 kg लूज़ कर दिया था। अच्छा तो आपने 3 महीने में 24 kg वेट लूज़ किया यहाँ पर? जी, बड़ी हैरत की बात है कि 3 महीने में 24 kg वेट लूज़ किया। अच्छा यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह भी यूज़ करते हैं और कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज के दौरान कुछ परहेजी खाने भी आपको बोले जाते हैं, वो क्या क्या है? परहेजी खाने तो बोले जाते हैं, मगर इसमें कोई मेडिसिन वगैरह जो वो कोई भी, यानी वो उसकी खुद की वैसे तो मर्ज़ी, वैसे यहाँ पे तो कोई यूज़ नहीं करता। हम लोग नॉर्मल जो डाइट होती है वही करते हैं, जैसे आपकी वेजिटेबल हो गया, या फिर इसके अलावा ऑयली चीज़ छोड़नी होती है आपको, बेकरी आइटम छोड़नी होती है, जंक फूड्स छोड़ना होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़नी होती है, और जो नॉर्मल प्रोटीन है अंडे हो गए, फिश हो गई, मुर्गी हो गई, इस तरह के सारे प्रोटीन लेने पड़ते हैं तो उससे वेट लूज़ हो जाता है। सप्लीमेंट कुछ नहीं लेते हम लोग। अच्छा तो अंडों का जो रेजुलेशन था, वो अंडे कैसे खाए जाते हैं, किस तरीके से खाए जाते हैं ये बताएंगे? ये आपके जो है ना डाइट प्लान के ऊपर है, अभी आपको दोपहर में खाने हैं, रात में खाने हैं या सुबह खाने हैं, वो आपके ऊपर है। मतलब आप किस तरीके से, आपका ट्रेनर डाइट प्लान आपको बना के देता है, सुबह बना के देते हैं, रात को बना के देते हैं, शाम को बना के देते हैं, वो उसके ऊपर। अच्छा कहा जाता है, या मैंने काफ़ी लड़कों को देखा है जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो कुछ लड़के मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्या मेडिसिन इस चीज़ के लिए मुफीद है? मेरे ख्याल से तो फिर बाद में मेडिसिन वालों की तो वही वेट जो है ना गेन हो जाता है जो होता है नॉर्मल, जैसे अगर आप नॉर्मल करेंगे बगैर मेडिसिन के तो वैसे ही आपका वेट लूज़ रहेगा इंशाल्लाह। यानी कि रियलिटी चीज़ रियलिटी वाली होती है, चीज़ रियलिटी होती है जी। तो आपने सुना और इनका कहना था कि अंडों को अपने वेट के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है और बाकायदगी से ऑयली जितनी चीज़ होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, इससे परहेज करना पड़ता है, और यानी कि वो जो मेडिसिन जो लड़के खाते हैं उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस ये है कि जिस्म फूल जाता है और कुछ भी नहीं, बाकी जो वेट उनका जो होता है वो वापस से जब ये जिम छोड़ देंगे तो उनका वही वेट, वही साइज़ और वही लेंथ हो जाती है। इसी के साथ वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? ये भाई पेट कम करने की कर रहे हैं। अच्छा तो आपका पेट कितना कम हुआ है? पेट मेरा कम हुआ है तकरीबन 12 kg। अच्छा पहले आपका ज़्यादा पेट था? 89 kg था, अभी 77 kg है। अच्छा तो आपको इसमें से सबसे बेस्ट, सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज आपको कौन सी लगी है? जो सारी अच्छी हैं, वैसे जब वार्म अप करते हैं तो उसके अंदर जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उनका करना भी ज़रूरी है वरना शेप आउट हो जाता है। या जैसे आजकल लड़के कमज़ोर घूमते हैं जैसे आप हैं, तो इस तरह खुद को फिट भी रखना होता है, तो फिटनेस के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा जब आप यहाँ पर आए थे उस वक्त आपका वेट क्या था और आज आपका वेट क्या है? बताया ना, वो 89 kg था, अभी 77 kg। अच्छा तो आपने कौन कौन सी मशीन्स यहाँ पे यूज़ की हैं ज़्यादातर, और कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा यूज़ की हैं जो आपका वेट इतना कम हो गया? मशीनों से तो इतना वेट कम नहीं हुआ, बाकी जो मैं अपनी एक्सरसाइजेस करता हूँ जैसे थोड़ी दौड़ लगा ली, भाग लिया और थोड़ा उछल कूद कर ली, जिस तरह सब तालाबा यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर हैं बताते हैं, तो वो उनको बस फॉलो किया है, वो बताते जाते हैं और हम करते जाते हैं, और दूसरे लोगों को भी देख के माशाल्लाह सबका ही तकरीबन यहाँ पर वेट कम हुआ है ना, कोई 100 kg आया था, कोई 110 आया था, 115 आया था, किसी का 90 kg था, तो सब ने तकरीबन 10-15-20 kg लूज़ किया है, और मुझे तो आए हुए अभी तकरीबन 2.5 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस ये भाइयों का सपोर्ट है और आप आज आए हैं तो आपको ये बता रहे हैं, वरना तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। और लोग तो कहते हैं कि खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या खाने से पहले, हम घर से जब निकलते हैं तो थोड़ा कुछ खा के आते हैं, वरना जो है वो कहते हैं कि हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, तो कोशिश करते हैं कि हल्का फुल्का खा लें ताकि यहाँ पर आए तो हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी भी हो, दोपहर का भी खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी अच्छा करते हैं, बस ये है कि थोड़ा डीप फ्राई और इस तरह की चीज़ों से परहेज करते हैं और अंडों का और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कितने घंटे आप यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं? एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे। अच्छा 1.5 से 2 घंटे आप यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, और उसके अलावा मुझे एक ये बात बताइए कि यहाँ पर जैसे कि कोई परहेजी खाना यहाँ पर आपके उस्ताद वगैरह कुछ बोलते हैं कि
कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो हफ्ते और इतवार वाले दिन दोस्तों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ, या घर में बेगम एक हफ्ते बाद कोई ना कोई चीज़ बनाती है तो खा ही लेते हैं, फिर बच्चे भी साथ होते हैं। खैर मेरी तो यहाँ तो सब सारे यंगस्टर हैं, मैं तो थोड़ा बड़ा ही हूँ एज के हिसाब से, 43-44 मेरी एज है, तो वो इसके बाद भी माशाल्लाह खुद को कोशिश करते हैं कि मेंटेन भी रखें और हल्का फुल्का उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमारे साथ कोई टाइम देने वाला है, वरना अगर मैं अलग खाना खाऊंगा तो उनको भी से लगेगा कि बूढ़े वाली फीलिंग नहीं होती कि इनके लिए परहेजी वाला खाना पक रहा है। अब जैसे मम्मी मेरी खाती है तो वो उनको भी हम कोशिश करते हैं कि अपने साथ वही खाना खिलाएं जो खुद खाते हैं। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन से परहेजी खाने यहाँ पर यूज़ करवाते हैं आपको? हमें तो कुछ भी नहीं कहते, ये तो कहते हैं कि बस डीप फ्राई चीज़ें ना खाएं। अच्छा प्रोटीन लें ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रोटीन के अंदर इनटेक उसका जो है वो पाउडर की शक्ल में लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई अंडे ज़्यादा से ज़्यादा आप लें। अच्छा अंडे के साथ सैलड लें, फ्रूट्स लें और मछली का इस्तेमाल करें, और मछली भी फ्राई ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बारबेक्यू और टिक्का खाएं वो भी फ्राइड होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो रोटी का कम से कम इस्तेमाल, क्योंकि रोटी शुगर भी बढ़ाती है और वैसे भी रोटी ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, और चावल का भी ऐसा ही है, चावल हजम जल्दी नहीं होता, लेकिन कभी कभी खा लिया तो ठीक है, जैसे 15 दिन में महीने में। और दूसरा ये कि बस इसी तरह के जो फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, और आजकल तो सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट है उसका यूज़ करते हैं, बस ये चीज़ें हैं। अगर ये आप यू इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा जी। तो नाज़रीन आपने सुना कि अली भाई का कहना था यहाँ पर हर किस्म की एक्सरसाइज मौजूद है, और इसमें इसके साथ साथ आप प्रोटीन यूज़ करें और एक्सरसाइज़ के लिए बहुत अच्छी मुफीद चीज़ होती है, और उसके अलावा यहाँ पर एक्सरसाइज साथ करते करते आप ये अपने दोस्तों को भी टाइम देते हैं, ये अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम देते हैं। लाजमी नहीं है कि इतना परहेजी खाना होना चाहिए जो कि बहुत ही हाई।